यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर लगाए जाने पर जमकर बवाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेश गौतम ने इस बाबत एक खत लिखा है, तो वहीं अब इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इस बारे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता शाफिक किदवई का ये कहना है। सांसद ने, अलीगढ़ के सांसद ने भी एक पत्र लिखा है इसको लेकर वाइस चांसलर साहब को कि इसका क्या कारण है कि यहाँ पर जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। वो जाहिर अगर खत लिखा जैसा आप कह रहे हैं, अभी तो हम लोगों को खत मिला नहीं, अगर वाइस चांसलर साहब को खत लिखा गया है तो जाहिर उस पर उसके संज्ञान में आएगा वाइस चांसलर साहब का, तो हम लोग इस पे जो भी होगा वाइस चांसलर साहब उस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जो तस्वीर लगी हुई है आप जो बात कर रहे हो बंटवारे से पहले की लगी हुई है, लेकिन अब क्योंकि बंटवारा हो चुका उसको भी काफी समय बीत गया, 47 के बाद से अब तक ये तस्वीर लगी हुई है, क्या लगता है आपको कि हड्डी चाहिए या कोई इस तरह की पहल करेंगे आप? ये देखिए, यूनियन के लड़कों का मैंने बताया ना कि यूनिवर्सिटी का वो एक अलग एक यूनियन एक इदारा है जिसमें तस्वीर लगी हुई। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं बार बार कह रहा हूँ, उससे ये समझना कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई तस्वीर लगाई जिन्ना की, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वहीं इस मामले पर यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ फैजुल हसन ने संसद को घेरते हुए ये पक्ष रखा है। मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी रहा हूं, मैंने देखा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आजादी से पहले से लगी है या आजादी के बाद से लगी, हिंदुस्तान की आजादी, क्योंकि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1938 में आए और तब उस वक्त की मौजूदा यूनियन ने उनको लाइफ मेंबरशिप दिया। उससे पहले से जब से गांधी जी को दिया गया, नेहरू जी को दिया गया और सऊदी अरब के किंग को दिया गया, ईरान से बुलाए गए उनको दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बुलाकर, और उसमें मोहम्मद अली जिन्ना 1938 में आए, उनको भी दिया गया। इस पे सवाल तो कोई कर ही नहीं सकता कि आजादी से पहले क्या हुआ था हिंदुस्तान के अंदर। तब तो हिंदुस्तान एक ही था ना, पाकिस्तान तो बना ही नहीं था, वजूद में भी नहीं था, और मोहम्मद अली जिन्ना के तो आज के वक्त में जो है पार्लियामेंट के अंदर फोटो लगी है, उसको क्यों लोग उस पर क्यों नहीं शूट आते हैं। तो वहीं सुनिए इस मामले पर बीजेपी सांसद सुरेश गौतम ने क्या कुछ कहा। संस्थापक जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मुझे आपके माध्यम से पता लगा है, मैं बीसी साहब से बात करूंगा, मेरी नॉलेज में नहीं, बीसी को पूछूंगा लगी है या नहीं लगी है, आपने मुझे बताया इससे संज्ञान लूंगा और बीसी को पत्र के द्वारा जवाब मांगूंगा अगर लगी है तो। जिस तरह से इस मामले में अब संसद को घेरा जा रहा है, देखना होगा कि आगे ये मामला क्या मोड़ लेता है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।